बड़ी आयरनी की बात है कि नाम आपने ब्लैक बोर्ड रखा है लेकिन पूरे इंस्टीट्यूट में एक भी ब्लैक बोर्ड आपका यहाँ अवेलेबल नहीं है, सारी चीज़ें जो है डिजिटली यहाँ पर हो रही हैं, तो ऐसा क्यों, मतलब इतनी जल्दी क्यों अपने नाम से पीछा छुड़ा लिया आपने? देखिए बड़ी चीज़ क्या है कि ब्लैक बोर्ड अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा ये बोर्ड भी वास्तव में ब्लैक बोर्ड ही है ना। तो बच्चों को जो है टीचर्स ने पूरी तरीके से पटा रखा है, ठीक है, एक जोक मारने पर यहाँ पर बच्चों ने खिलखिला कर जो अपना समर्थन दिखा दिया, भाई टेस्ट में नंबर इनको पूरे के पूरे चाहिए लगता है अगले टेस्ट में। यहाँ पर मैं भी जो है थोड़ा बहुत स्टूडेंट ही लग रहा हूँ, पीछे आके मैं भी कल से बैठ जाऊँगा, नीट में जो मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा। नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस समय मौजूद है रांची में और रांची के एक प्रतिष्ठित संस्थान में आ जाने का मौका मिला है, द ब्लैक बोर्ड अकेडमी, और ये मौजूद है आपका पुरुलिया रोड रांची में। यहाँ पर जब आप आइएगा तो सबसे पहले बता दें कि इसकी कहानी बहुत ही शानदार है, द ब्लैक बोर्ड के नाम से भले है लेकिन ये रांची का पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सारे बच्चे जो है डिजिटली पढ़ाई कर रहे हैं, और आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे टीचर यहाँ पर पूरा जोर लगाकर पढ़ाते हैं, एक साथ दो दो क्लास भी जो है एक बार में पढ़ लेते हैं। अंदर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से इनकी पढ़ाई होती है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की कमी नहीं है, और हम जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं टीचर जो हैं पूरी तरीके से पढ़ाने में लगे हुए हैं। सर आपका कीमती समय ले रहे हैं हम लोग, लेकिन आपने बुलाया तो हम आए हैं। क्या कहिएगा सर, क्या कारण है कि आपका ब्लैक बोर्ड अकेडमी जो है बाकी इंस्टीट्यूट से खास है? देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला चीज़ है हमारे इंस्टीट्यूट में कि बच्चों और टीचर्स के बीच जेनरेशन गैप नहीं है जी। बच्चे जो बुक पढ़ रहे हैं, हम लोग आज से 5 साल 6 साल 8 साल पहले हम लोग भी यही बुक पढ़े हैं, तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है कि बच्चे कहाँ फंस रहे हैं, क्या परेशानी है, कौन सा क्वेश्चन इनसे नहीं बनेगा, वो सब हम लोग बहुत कुछ दिन पहले ही देखे हैं, तो हम लोगों को बहुत आसानी से उनका एक्सप्रेशन समझ आ जाता है, और जब हम लोग उनको गाइड करते हैं तो वो हमारे साथ एक कनेक्शन फील कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो टीचर्स हैं जनरली जो एक ट्रेडिशनल इमेज होता है टीचर का कि बहुत खड़ूस होंगे और डांटेंगे, लेकिन यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके साथ है कि बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं बच्चों के साथ, तो फ़ायदा ये होता है कि बच्चे बहुत आसानी से डाउट पूछ सकते हैं, अपनी परेशानियाँ साझा कर सकते हैं, ना केवल जो क्वेश्चन नहीं बन रहा वो नहीं पूछते हैं बस, उसके अलावा ये भी पूछते हैं कि सर हम टाइम कैसे मैनेज करें, हम टेस्ट दे रहे हैं, मेरा आप सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं, तो कुल मिला के पूरा का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सर बात करें अगर आपके इंस्टीट्यूट की, तो सुनने में आया कि बहुत जल्दी आप लोगों ने सफलता के बहुत सारे आयाम छुए हैं, क्या कारण रहा? सुनने में आया कि लॉकडाउन से पहले ही आपने खोला था, उसके बाद अभी जो है रांची के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में आपका नाम आ गया, क्या कारण है? इसके पीछे जो बच्चों का साथ है सबसे बड़ा कारण यही है। जैसे हमारा बहुत क्लियर मानना है कि इंस्टीट्यूट बड़ा टीचर से नहीं बल्कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों से होता है। अगर ये ब्लैक बोर्ड ये कामयाबी पहुँच ये पा चुका है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और दिन में 6-6 घंटा 8-8 घंटा पढ़ाई करते हैं, और उनमें थोड़ा सपोर्ट हमारा भी होता है, थोड़ा उनके पेरेंट्स का भी होता है, थोड़ा उनके स्कूल का भी होता है, और इन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। सर आपका इंट्रोडक्शन लेना भूलिए, क्या पढ़ाते हैं आप? हम फिजिक्स पढ़ाते हैं। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुशांत मिश्रा। सर बड़ी आयरनी की बात है कि नाम आपने ब्लैक बोर्ड रखा है लेकिन पूरे इंस्टीट्यूट में एक भी ब्लैक बोर्ड आपका यहाँ अवेलेबल नहीं है, सारी चीज़ें जो है डिजिटली यहाँ पर हो रही हैं, तो ऐसा क्यों, मतलब इतनी जल्दी क्यों अपने नाम से पीछा छुड़ा लिया आपने? देखिए बड़ी चीज़ क्या है कि ब्लैक बोर्ड अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा ये बोर्ड भी वास्तव में ब्लैक बोर्ड ही है ना। तो बच्चों को जो है टीचर्स ने पूरी तरीके से पटा रखा है, ठीक है, एक जोक मारने पर यहाँ पर बच्चों ने खिलखिला कर जो अपना समर्थन दिखा दिया, भाई टेस्ट में नंबर इनको पूरे के पूरे चाहिए लगता है अगले टेस्ट में। कैसी तैयारी होती है? सर बात करें अगर आपके स्पेशलाइजेशन के बारे में, तो सुनने में आया कि जैक में आपका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा आया। देखिए जैक में तो वास्तव में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, हमारे इंस्टीट्यूट के लगभग 44 बच्चे ऐसे हैं जिनका 90% से अधिक स्कोर आया है, और झारखंड बोर्ड में 90% बहुत मायने रखता है, खास करके 12th के एग्ज़ाम में, और शायद बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पर इतने बच्चे 90+ नहीं ला रहे हैं जितने द ब्लैक बोर्ड के ला रहे हैं। उसके अलावा 80% से अभव लाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 125 के आसपास होगी, एग्जैक्ट डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा क्योंकि याद नहीं है, और लगभग हर एक बच्चा, सबसे बड़ी बात है कि 100% रिजल्ट हुआ है। हमारे 410 बच्चों ने बोर्ड एग्ज़ाम लिखा और सबके सब फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, कोई भी बच्चा फेल नहीं किया है। सर बात करें, इस बार सुना आपने नीट और जेई को लेकर भी एक नया मुहिम छेड़ा है, नया अभियान चला है, उसको लेकर क्या क्या तैयारियाँ हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, आप अगर देखेंगे तो जो समृद्ध परिवार के बच्चे हैं जिनके पास बहुत पैसा है उनके लिए बहुत कुछ है, उनके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन जो
जो एक गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए बहुत कम सुविधाएं हैं, तो द ब्लैक बोर्ड वैसे बच्चों को टारगेट कर रहा है जिनमें प्रतिभा है बट संसाधन नहीं है उनके पास। तो वैसे बच्चों के लिए हम लोग ना केवल बोर्ड में पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं बल्कि उनको नीट और जेई के लिए अच्छा कैसे बनाना है इसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि द ब्लैक बोर्ड में अभी आने वाले लगभग 17 तारीख को जो संडे पड़ेगा उसमें एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में जो बच्चे अच्छा करेंगे वैसे 30-35 बच्चों को हम लोग अलग से सेलेक्ट करके उनको क्लास के अलावा नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और इसके लिए किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये इन बच्चों को पहले ही बता दिया गया। काफ़ी अच्छी पहले बात करें सर, ये बच्चे तो इस समय स्कूल पढ़ने के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या टाइमिंग आपका क्या रहता है, किस तरीके से आप पढ़ाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमारे यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक बैचेस हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चों के लिए अलग अलग टाइम के बैचेस हैं। सुबह में बैच है, दोपहर में बैच है, शाम में बैच है, लगभग मान के चलिए आप सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बैच है। तो जिस बच्चे को जिस बैच में सुविधा होती है वो उस बैच में पढ़ते हैं। हमारी एक और कोशिश होती है कि हम बच्चों को स्कूल वाइज बैच में डालें, जैसे हमारे पास लगभग हर स्कूल के बच्चे हैं, जेवियर्स के हैं, उर्सलाइन के हैं, सेंट जॉन्स के हैं, संत लुइस के हैं, गौसनर के हैं, मारवाड़ी के हैं, तो हर बच्चों को हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे बैच में डालें जहां पर उन्हीं के स्कूल के बच्चे अधिक हों। उससे पहली चीज़ तो बच्चे हंसी खुशी के माहौल में पढ़ते हैं दोस्तों के साथ बैठकर, दूसरी चीज़ उनको उनके स्कूल के टर्मिनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी पढ़ाया जाता है, तो फ़ायदा ये हो जाता है कि बच्चे बोर्ड के साथ साथ स्कूल के टर्मिनल एग्ज़ाम में भी अच्छा करते हैं जिनका उनको बाद में प्रैक्टिकल में भी फ़ायदा मिलता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर टीचर से, बच्चों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हो आपका? जी शिवानी। किस क्लास में आप? 12th में। और अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्या कहेगा सर, अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रुक कर बोला। क्या सिर्फ दिन भर चुटकुला मजाक ही चलता है कि पढ़ाई भी होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ हम जब हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं तो हम लोग को ऐसा कभी नहीं लगता है कि हम लोग बोर हो रहे हैं या फिर कुछ। मतलब पढ़ाई तो पढ़ाई, उसके साथ साथ सर हम लोग को ऐसा कभी फील ही नहीं होने देते हैं कि हम लोग कभी बोर हो रहे हैं। अभी इस समय क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर? फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स चल रहा है। रे ऑप्टिक्स तो काफ़ी डायग्राम मुश्किल वैसा कुछ नहीं, सब बढ़िया? बहुत अच्छा है। और ही बच्चों से बात करें, क्या नाम हो आपका? स्वाति कुमारी। स्वाति कुमारी, कैसे पता चला था ब्लैक बोर्ड के बारे में, कौन से स्कूल में आप? उर्सलाइन इंटर कॉलेज। तो मतलब मेरी दीदी भी यहीं पढ़ी थी तो वो हमको यहाँ के बारे में बताई, तो इसलिए फिर हम भी यहीं पर आए। मतलब यहाँ पर सुनने में आया कि सर जो है यहाँ पर ऑनलाइन भी जो है यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम करते हैं, क्या सही बात है? हाँ, यूट्यूब पे भी वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे समझ रहे हैं वैसे यूट्यूब पे भी उतने अच्छे से समझ में आता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पर मैं भी जो है थोड़ा बहुत स्टूडेंट ही लग रहा हूँ, पीछे आके मैं भी कल से बैठ जाऊँगा। नीट में जो मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा। और भी टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर, दूसरे स्कूल क्लास में भी चलते हैं। यहाँ पे भी सर जो है पूरे जोर शोर से पढ़ाने में लगे हैं। सर 2 मिनट आपका समय ले लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? विनय नाम हुआ मेरा। विनय, आप ही ने ये इंस्टीट्यूट खोला है? जी। सर बता रहे थे आप अपने स्ट्रगल के बारे में, एक बार हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए क्या प्रॉब्लम्स है इस इंस्टीट्यूट में और अभी कैसे देख रहे हैं? हम लोग स्टार्ट किए थे 2018 में, और 2018 में स्टार्ट करते के साथ जैसा कि सबको पता है तुरंत कोविड आ गया जी। तो कोविड समय में भी हम लोग कोशिश किए कि बच्चों को बेहतर सुविधा दे पाएँ। कोविड समय में जब बाकी लोग परेशान हो रहा था कि हम कैसे बच्चे के साथ कांटेक्ट करें, कैसे बच्चों को बढ़िया क्वालिटी का शिक्षा दे पाएँ, तो हम लोग रांची में ऐसा पहला कोचिंग है जो यूट्यूब सिलाई पढ़ाना शुरू किए, और साथ ही साथ इस सेगमेंट में बच्चों को डिजिटल बोर्ड से पढ़ाने वाला हम लोग रांची का पहला कोचिंग संस्थान है। और साथ ही साथ YouTube पर जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बच्चों तक पहुंचा, जो फ्री की जो आपने स्ट्रीमिंग की जो बता रहे थे वहाँ पे, वो सर भी बता रहे थे फ्री की स्ट्रीमिंग से ये हुआ कि जो बच्चों के तक नहीं भी इकोनॉमी उनकी अच्छी नहीं है वो भी आपसे पढ़ पाए, क्या कहिएगा? लॉकडाउन जब तुरंत लगा तो तुरंत लोग सोच नहीं पाया कि क्या करना चाहिए। झारखंड के जितने भी स्कूल कॉलेज लगभग बंद हो चुका था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि क्या होगा। हम लोग उस समय थे कि बच्चे बहुत परेशान थे अपने भविष्य को लेकर कि आगे क्या होगा, तो उसको देखते हुए हम लोग यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू किए। हम लोग लाइव क्लासेस लेते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर देते थे, बच्चों को डाउट बताते थे। उससे जो मेरे बच्चे थे वो तो उनको फ़ायदा हुआ ही हुआ, वैसा बच्चा जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे थे वैसे बच्चों को भी हमारा लाइव फ्री यूट्यूब क्लासेस का फ़ायदा हुआ। तो अभी सर क्या कहेगा, अभी आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, जैक की जैसे बात करें तो कैसा रिजल्ट आया? अगर हम इस साल का बात करें 2022 का, तो 2022 में हमारे 44 ऐसे बच्चे हैं जिनका जो प्रतिशत है वो 90% से ज़्यादा है। हमारे पास स्टेट टॉपर टॉप 50 का बात करें तो लगभग मेरे पास ऐसा 35 बच्चा होगा जो झारखंड स्टेट टॉपर टॉप 50 में है। इसके अलावा रांची के जितने भी स्कूल हैं हर स्कूल कॉलेज का टॉप 10 में अपना बच्चा है। रांची में तो है ही, एक जगह है चाकुलिया,
वहाँ का रैंक वन रैंक टू अपना बच्चा है, सीसई में बीएन जलान कॉलेज है, बीएन जलान कॉलेज का रैंक वन अपना बच्चा है। तो मतलब ब्लैकबोर्ड में पढ़ने के लिए बच्चे रांची के तो आ ही रहे हैं, बहुत से बच्चे पूरे झारखंड से आ रहे हैं जो केवल कोचिंग करने के लिए, द ब्लैकबोर्ड में कोचिंग करने के लिए वो लोग रांची आ रहे हैं। देखा आपने, ये यहाँ पर इस समय ब्लैक बोर्ड में मौजूद हैं और यहाँ के टीचर्स जो है बच्चों के साथ एक बहुत ही दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, बहुत ही फ्रेंडशिप, बहुत ही हंसी खुशी वाला माहौल में यहाँ पढ़ाई होती है। तो अगर रांची में आप हैं और 11, 12 के साथ नीट जेई के साथ अगर अच्छे मार्क्स के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक बार आकर आप जरूर द ब्लैक बोर्ड अकेडमी को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं पढ़ाई हो रही है। इस खबर को अब यहीं पे समाप्त करेंगे और एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज़। रोजाना दिल्ली दूर, जब रांची में है द प्रयास इंडिया, वन ऑफ द लीडिंग यूपीएससी इंस्टीट्यूट। आईएएस बनने का सपना यही होगा साकार, रांची में मिलेगा बेस्ट यूपीएससी कोचिंग। जब प्रयास करेगा आपके लिए प्रयास, तो होगा आपका सपना साकार। ऑप्शनल पेपर हो या फिर ऐसे लिखने का गुर, टेस्ट सीरीज के साथ बेस्ट स्टडी एंड एडवाइस देगा आपको सब्जेक्ट्स पर मजबूत पकड़। हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी शिक्षा आसान। अगर देखा हो आईएएस का सपना तो प्रयास है द बेस्ट। ज्वाइन द बेस्ट यूपीएससी कोचिंग सेंटर द प्रयास।